एक दिन पहले महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन देने के लिए एनसीपी में हुए महापलायन के बाद आज सुबह से ही नए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के घर पर हलचल तेज रही। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए एनसीपी कोटे के मंत्री और कई विधायक अजीत पवार के घर पहुंचे। मंत्रियों के अलावा पार्टी के दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा, जो नए उपमुख्यमंत्री के स्वागत के लिए गुलदस्ते लेकर पहुंचे थे। अजीत पवार ने किसी को निराश नहीं किया और नेता कार्यकर्ता उनका सम्मान करते वक्त फोटो खिंचवाकर पांव छूते दिखे। अजीत पवार से मिलने पहुंचे एनसीपी नेता अमोल मितकरी ने दावा किया कि नए उपमुख्यमंत्री को पार्टी के 35 विधायकों का साथ मिल चुका है, जो आगे और बढ़ेगा। 35 के 35 भी लोग आज दादा के साथ हैं और आने वाले भी हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ अपक्ष के भी लोग हैं। अचानक हुए इस बदलाव से अजीत पवार समर्थक उत्साहित दिखे। उत्साहित समर्थकों का अजीत पवार के घर पहुंचने और उनसे मिलने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। चूंकि अजीत पवार को जमीनी नेता माना जाता है, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक था। और दिन भर चलने वाले इस सिलसिले की वजह से अजीत पवार के घर के बाहर लगातार गाड़ियां आती जाती दिखी और यहां पहुंचने वाले नेता कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए। अजीत पवार से मिलने के लिए पहुंचे नेताओं में कुछ बीजेपी के नेता भी थे। मोदी जी के नेतृत्व में आज अजीत दादा ये भाजपा के साथ आए हुए, इसमें महाराष्ट्र का हित ही सर्वोपरि है। मेल मुलाकात के बाद अजीत पवार ने उनके साथ शपथ लेने वाले पार्टी के 8 मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति और पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के नतीजों से अजीत पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वाकिफ कराएंगे। आज शाम ठीक 5 बजे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सांसद सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, विधायक छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चौंकाने वाले फैसलों का ऐलान किया गया। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे होंगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ये फैसला लिया है। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि उन्होंने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को पद से हटा दिया है। साथ ही अनिल पाटिल एनसीपी के नए चीफ व्हिप होंगे। अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम चाहते हैं शरद पवार एनसीपी में बने रहें, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। इसके बाद अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पार्टी का नाम और सिंबल उनका है। अजीत पवार ने दावा किया कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं और वो किसी को पार्टी से नहीं निकलने देंगे। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहाँ पर आप सभी के सामने देने वाला हूँ। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे की भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां हैं उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। लेकिन जिस वक्त प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपने फैसलों का ऐलान कर रहे थे, उसके कुछ ही देर पहले शरद पवार ने उन्होंने एनसीपी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया था। यही नहीं, शरद पवार ने सांसद सुनील तटकरे, जिनको प्रफुल्ल पटेल ने नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है, उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया था। पवार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाल दिया है। इससे पहले दिल्ली में एनसीपी दफ्तर से प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर को भी हटा दिया गया। अजीत पवार सुबह अपने घर पर नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं से मिले और इसके बाद पार्टी के कोटे से मंत्री बनाए गए नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। बताया गया कि इस बैठक में एनसीपी के करीब 40 विधायक पहुंचे। इस बैठक के खत्म होने के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के दूसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके बंगले के लिए निकल पड़े। अजीत पवार के फडणवीस के घर पहुंचने से पहले ही वहां गहमागहमी बढ़ चुकी थी। कुछ ही देर में अजीत पवार अपने सहयोगी प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के साथ देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करने पहुंच गए, जहां गुलदस्ते से नए मेहमानों का स्वागत हुआ और बताया गया कि नए सहयोगियों के साथ देवेंद्र फडणवीस की बैठक करीब घंटे भर चली। इस बैठक में शिंदे मंत्रिमंडल में विस्तार और नए मंत्रियों के विभाग के बंटवारे पर चर्चा हुई। बताया गया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार 9 जुलाई को हो सकता है। इसके अलावा एनसीपी के पदाधिकारी अपनी निष्ठा नहीं बदले, इसके लिए उनके शपथ पत्र लिए जाएंगे। इस बैठक के दौरान ही महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी फडणवीस के घर पहुंचे।
एनसीपी ने अजीत पवार सहित 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा स्पीकर को याचिका दी है। एनसीपी के अनुशासन समिति ने प्रस्ताव पास कर 9 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि एनसीपी की दलील है कि 9 विधायकों ने पार्टी विरोधी गतिविधि की है और अदालत के पुराने फैसलों के मद्देनजर सभी 9 विधायक अयोग्य घोषित किए जाने चाहिए। जिन 9 लोगों ने शपथ ग्रहण की है उनके खिलाफ नहीं, वो अपात्र ही है, ऐसा हमारा कहना है। जब वो एंटी पार्टी एक्टिविटी करते हैं तो शिवसेना वर्सेस सुभाष देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जो याचिका में निर्णय दिया गया है उसके मुताबिक वो तभी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वहीं विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का कहना है कि वो याचिका पर उचित फैसला करेंगे। एनसीपी ने चुनाव आयोग को भी एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शरद पवार के साथ हैं। अब सबको इंतजार है 5 जुलाई का, क्योंकि 5 जुलाई को पता चलेगा कि एनसीपी के कितने विधायक भतीजे अजीत पवार के साथ हैं और कितने चाचा शरद पवार के साथ, क्योंकि दोनों ही गुटों ने 5 जुलाई को एनसीपी विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। 5 जुलाई को सभा रखी है और हमें पूरी उम्मीद कि महाराष्ट्र की रैंक एंड फाइल जो है वो शरद पवार जी के साथ खड़ी रहेंगे। अजीत पवार गुट का कहना है कि अब वो ही असली एनसीपी है। सवाल उठता है कि एनसीपी पर किसका कब्जा होगा, शरद पवार का जो कि मौजूदा अध्यक्ष है, या फिर अजीत पवार का जिन्होंने शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के विधायकों का नंबर गेम समझना बेहद जरूरी है। इस वक्त एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायकों का अजीत पवार के साथ आना जरूरी है, मतलब अलग गुट या टूट को मंजूरी मिलने के लिए कम से कम 36 विधायक चाहिए। अजीत पवार गुट का दावा है कि उसके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अगर ऐसा है तब तो अजीत पवार गुट दल बदल कानून से बच जाएगा, लेकिन शरद पवार गुट का दावा है कि सिर्फ 9 विधायक ही बागी हुए हैं, यानी 9 विधायक ही अजीत पवार के साथ हैं, बाकी एनसीपी के साथ ही हैं, इसलिए दल बदल कानून से वो नहीं बच पाएंगे। शरद पवार खेमे ने बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एनसीपी के दिल्ली दफ्तर से सांसद प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटाई गई। दिल्ली दफ्तर पर शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी हुई। अजीत पवार के साथ जाने को लेकर दिल्ली राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस कार्यालय से उनकी तस्वीर हटाई गई। बगावत के बाद एनसीपी के बागी नेताओं पर एक्शन शुरू हो गया है। एनसीपी नेता शिवाजी राव गर्जे को पार्टी पद से बर्खास्त किया गया। शिवाजी राव गर्जे एनसीपी में महासचिव के पद पर थे। कल अजीत पवार की शपथ में शामिल होने की वजह से कार्रवाई। बगावत के बाद एनसीपी ने 9 मंत्रियों को नोटिस भेजा। इसके अलावा बागियों को अयोग्य ठहराने के लिए पार्टी में प्रस्ताव पास हुआ। इस बीच सुप्रिया सुले ने 2 सांसदों पर कार्रवाई के लिए शरद पवार को चिट्ठी भी लिखी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में है। आरएलडी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। एक तरफ अजीत पवार के समर्थक विधायक उनके घर पर उनका स्वागत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके चाचा शरद पवार मुंबई से 250 किलोमीटर दूर सतारा के कराड़ में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जहां उनके स्वागत के लिए एनसीपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने शरद पवार का भव्य स्वागत किया। शरद पवार ने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण के स्मारक पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र और देश में फूट डालने की कोशिश हो रही है, जाति धर्म के नाम पर दरार पैदा करने की साजिश हो रही है, महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, जैसे उद्धव को हटाया वैसा दूसरी जगह हो रहा है, महाराष्ट्र को एकता दिखानी होगी। शरद पवार के साथ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी मौजूद थे। अजीत पवार के साथ 8 विधायकों के एनसीपी छोड़कर जाने पर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि 3 महीने में पूरी पिक्चर बदल जाएगी, क्योंकि अजीत पवार खेमे के कई लोगों ने उन्हें फोन कर कहा कि वो अगले कुछ दिनों में अंतिम फैसला लेंगे। पवार ने कहा कि पहले भी एनसीपी विधायक पार्टी छोड़कर गए थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी छोड़कर गया। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है इसे कितने गए कौन गए इसकी जांच मैं कभी करता नहीं। शरद पवार ने यह भी कहा कि ताजा मामले में वो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। शरद पवार ने दावा किया कि आगे नतीजे बेहतर होंगे, क्योंकि जनता का समर्थन उनके साथ है।
अजीत पवार को शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्हें पहला झटका लगा। एनसीपी के एक बागी सांसद ने घर वापसी करते हुए अजीत पवार का साथ छोड़ दिया। और शरद पवार गुट में लौट आए। एनसीपी सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे शरद पवार खेमे में वापस आ गए। अमोल कोल्हे रविवार को अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजभवन में मौजूद थे, लेकिन सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं शरद पवार के साथ ही रहूंगा। दिमाग नैतिकता भूलता है, दिल नहीं। शरद पवार गुट ने दावा किया कि अभी और बागी नेताओं की वापसी होगी। कई लोग थे जो शपथ विधि में थे, उनको गुमराह करके लेके गए थे, कुछ अलग बताया था। लोग कभी कभी फंस जाते हैं, अनजान होते हैं, भूले होते हैं, और बहुत लोग वापस आ रहे हैं। अब तो देखते तो जाइए। महाराष्ट्र में दल बदल की जो सियासत इस समय देखने को मिल रही है, उसे आज से करीब 45 साल पहले 1978 में खुद शरद पवार अंजाम दे चुके हैं। तब शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ बगावत की थी। इमरजेंसी के बाद 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कांग्रेस के दो गुटों ने अलग अलग लड़े थे, जिसमें एक गुट था रेड्डी कांग्रेस और दूसरा गुट था इंदिरा कांग्रेस। शरद पवार रेड्डी कांग्रेस गुट का हिस्सा थे, जबकि इंदिरा कांग्रेस गुट के नेता नशिक राव त्रिपुड़े थे। चुनाव में रेड्डी कांग्रेस को 69 और इंदिरा कांग्रेस को 62 सीटें मिली थी, जबकि 99 सीटों के साथ जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनी थी। लेकिन जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस के दोनों गुट एक हो गए और 7 मार्च 1978 को वसंत दादा पाटिल ने बतौर मुख्यमंत्री पद शपथ ली। शरद पवार उस सरकार में उद्योग मंत्री थे, जिनकी इंदिरा गुट के नेताओं से अनबन जारी रही, जिसके चलते शरद पवार 40 विधायकों के साथ सरकार से अलग हो गए और वसंत दादा की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई। सरकार 4 महीनों में ही गिर गई। शरद पवार ने इस बीच अपनी नई पार्टी बनाई, जिसमें जनता पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन किया। पवार ने इस गठबंधन का नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट रखा और 38 साल की सबसे कम उम्र में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। सियासत में शरद पवार के इस कदम को वसंत दादा से बगावत माना गया। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया तो इसका असर तमाम पार्टियों पर दिखा। कई दूसरे नेताओं की तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी इससे हैरान दिखे और उन्होंने इसे पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया। चूंकि इस बदलाव में एमएनएस की सियासत भी अछूती नहीं रह सकती, इसलिए राज ठाकरे के घर समर्थकों का तांता लग गया। ट्विटर पर पूरे घटनाक्रम की तुलना फिल्मी ड्रामे से कर चुके राज ठाकरे ने अब इसके पीछे शरद पवार का दिमाग बताया। पवार साहब किती काही म्हणत असले की त्यांचा काही संबंध नाही या गोष्टींचा। इसकी वजह उन्हें एनसीपी के कुछ बड़े दिग्गजों और सीनियर पवार के करीबियों का पाला बदलना लगा। कोळसे पाटील, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ वगैरह ये असेच जाणार नाहीत। राज ठाकरे के मुताबिक आज की तारीख में महाराष्ट्र में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन ये पता नहीं चल रहा, इसलिए कल अगर सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाएं तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। राज ठाकरे लंबे समय से महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि लाख कोशिशों के बावजूद एमएनएस चुनावी राजनीति में अपनी पैठ नहीं बना पा रही, इसलिए मौजूदा बदलावों के बाद राज ठाकरे अपने हिस्से की सियासी जमीन टटोलते दिखे। चूंकि एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता इस बदलाव के बीच पार्टी को मजबूत करने के लिए राज ठाकरे के सियासी रुख में भी बदलाव चाहते हैं और अपनी मंशा जताने के लिए उन्होंने शिवसेना भवन के बाहर पोस्टर्स भी लगा डाले, इसलिए इस मुद्दे पर राज ठाकरे की राय जानने की भी कोशिश हुई। लवकरच माझा महाराष्ट्राचा दौराही सुरू होईल या संदर्भात पुढच्या काही दिवसांमध्ये, त्यावेळेला मी जागोजागी जाईन, लोकांना भेटेन। यानी राज ठाकरे ने भले ही फिलहाल अपने पत्ते ना खोले हों, लेकिन ये तो साफ कर ही दिया कि बालासाहेब की विरासत पर दावेदारी खत्म होने के बाद अब उद्धव के लिए उनके मन में पहले जैसी कटुता नहीं रही। यानी सियासत में एमएनएस के लिए भी कोई स्थायी दुश्मन नहीं। एनसीपी के टूटते ही अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपना दावा ठोक दिया है, क्योंकि अजीत पवार जो अब तक नेता विपक्ष थे वो अब सरकार में शामिल हो गए। इसलिए कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने विधान भवन पहुंचकर स्पीकर से मुलाकात की। थोराट का कहना है कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसके पास ही नेता विपक्ष का पद होगा। जिनका नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है मेंबर्स की, उसका ही विरोधी पक्ष नेता बनेगा। कांग्रेस का कहना है कि बदले हालात में कांग्रेस को ही विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। अगर कांग्रेस की संख्या ज्यादा है तो विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस को ही मिलेगा, अगर राष्ट्रवादी की संख्या ज्यादा है तो उनको मिलेगा। दरअसल कल ऐसी खबर आई थी कि एनसीपी ने अपने नेता जितेंद्र आवाण को विपक्ष का नेता नियुक्त किया है, लेकिन 9 विधायकों के सरकार में शामिल होने से महाविकास अघाड़ी में एनसीपी खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गई है। 2 जुलाई के पहले एनसीपी 53 विधायकों के साथ महाविकास अघाड़ी में पहले नंबर की पार्टी थी और कांग्रेस 45 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर थी।
उद्धव गुट की शिवसेना के पास 16 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी में अन्य 5 विधायक हैं, लेकिन 2 जुलाई को 9 विधायकों के शपथ के बाद एनसीपी की संख्या घटकर 44 हो गई, जबकि कांग्रेस के पास 45 विधायक हैं। इस तरह कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में नंबर 1 पार्टी बन गई है। इसरो ने एक खास तरह के सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में मौजूद इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स से सेमी क्रायोजेनिक इंजन का पहला हॉट टेस्ट किया। ये टेस्टिंग 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने के लिए की गई, जिससे भविष्य के लॉन्च व्हीकल की क्षमता बढ़ेगी। लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की। पवित्र गुफा के अंदर की तस्वीरों में बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। आज जम्मू के यात्री निवास से 4,758 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक घर से बम बरामद होने से अफरा तफरी मच गई। घर के अंदर एक कनस्तर में करीब 14 से 15 बम रखे थे, जो पुलिस को रेड के दौरान बरामद हुए। इस इलाके के लोगों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज वर्चुअली जुड़ने वाली थी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े मामले में एनआईए ने आज महाराष्ट्र में 5 जगह पर छापेमारी की। ये रेड मुंबई में 4 और पुणे में 1 जगह पर की गई। एनआईए ने इसी साल फरवरी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अजीत पवार के पाला बदलने को बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। एक संभावना ये जताई जा रही है कि शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता छिन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है और उस स्थिति में बीजेपी और शिवसेना की मौजूदा सरकार अल्पमत में आ सकती थी। लेकिन वैसे हालात बनने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए एनसीपी में सेंध लगा दी और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया, जो अपने साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अगर शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य घोषित हुए तो भी बीजेपी एनसीपी विधायकों के समर्थन से सत्ता में बनी रहेगी और महाराष्ट्र की राजनीति में कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बीच उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक शगुफा छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में बेचैनी और हलचल पैदा कर दी है। संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है और एकनाथ शिंदे को हटाकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। राउत ने दलील में कहा कि एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायक अयोग्य होने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने जल्दबाजी में अजीत पवार को तोड़ा ताकि सरकार बच सके। संजय राउत पागल हो गए, वो खूट का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। बीजेपी ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में जो दांव लगाया उसने बड़े बड़े लोगों को हैरान कर दिया। हैरानी का यही भाव महाराष्ट्र के शहरों में सड़कों के किनारे भी दिखने लगा, जहां अलग अलग तरह के पोस्टर्स नजर आने लगे। पोस्टर के जरिए छिड़ी जंग की एक तस्वीर मुंबई में जगह जगह दिखी। इसमें अजीत पवार के अभिनंदन के साथ ही उनके साथ शपथ लेने वाले सभी 8 मंत्रियों को जगह दी गई। अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर्स टंगे तो आहत शिवसेना उद्धव गुट के समर्थकों ने शिवसेना भवन के बाहर ही पोस्टर लगा डाले, जिसमें शिवसेना की ताकत बढ़ाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे को साथ आने की अपील की गई। चूंकि महाराष्ट्र में हुए सियासी हलचल से सरकार विरोधियों का मनोबल टूटता दिखा, इसलिए जले पर नमक छिड़कने के लिए एकनाथ शिंदे गुट ने सोलापुर में एक पोस्टर लगा डाला, जिसमें सरकार के 3 चेहरों के जरिए मजबूत होते सत्ता पक्ष को दिखाने की कोशिश की गई और विपक्ष पर तंज कसने के लिए एक कैप्शन दिया गया, अब आएगा मजा। जब समर्थकों के इतने सारे पोस्टर्स टंगने लगे तो देवेंद्र फडणवीस के समर्थक भला पीछे कैसे रहते। सो मुंबई में फडणवीस समर्थकों ने जो पोस्टर टांगा उसमें शरद पवार को चढ़ाने के मकसद से राज्य के उप मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र का चाणक्य बता डाला। अजीत पवार के दलबल के साथ शामिल होने से पहले महाराष्ट्र सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं थी, लेकिन राज्य की राजनीति में जो बड़ा बदलाव हुआ उससे महाराष्ट्र को अदिति तटकरे के रूप में पहली महिला मंत्री मिल गई। और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अदिति जब रायगढ़ पहुंची तो उनके घर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई, जो उनकी एक झलक पाने और उन्हें शुभकामना देना चाहते थे। अदिति तटकरे ने भी किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं किया और शुभकामनाएं देने पहुंची महिला कार्यकर्ताओं से वो गले मिलती दिखी, जबकि दूसरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें मिठाई खिलाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद रायगढ़ पहुंची अदिति का स्वागत करने रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ खरगे भी पहुंचे। अदिति ने अपने कार्यकर्ताओं का आभार जताया लेकिन मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया।
पहले शिवसेना और अब एनसीपी को तोड़कर बीजेपी ने दिखा दिया कि आज की राजनीति में उसका कोई मुकाबला नहीं। शरद पवार का किला ढहाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला तो ये कि 2019 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को सत्ता नहीं मिली, जिसकी वजह उद्धव ठाकरे और शरद पवार का गठजोड़ था। आज बीजेपी ने दोनों ही नेताओं की पार्टी को तोड़ उनकी राजनीति को हाशिए पर ला दिया है। दूसरा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ आने से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे दिग्गज भी बीजेपी के पाले में हैं। तीसरा, अजीत पवार के साथ आने से बीजेपी को एकनाथ शिंदे को साधने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी सिर्फ एकनाथ शिंदे पर निर्भर नहीं है। चौथा, 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बनाए जा रहे विपक्षी पार्टियों की एकता में सेंध लग गई है, क्योंकि एकजुट विपक्ष के बड़े नेताओं में शुमार शरद पवार अब खुद कमजोर स्थिति में हैं। और पांचवा ये कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में सेंध लगाने के बाद बीजेपी ने अपने विरोधियों खासतौर पर जेडीयू और आरजेडी को साफ संदेश दे दिया है कि आने वाले दिनों में कई क्षेत्रीय पार्टियों में टूट हो सकती है। महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भविष्य को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। बिहार में महागठबंधन विरोधी नेताओं ने दावा करना शुरू कर दिया कि जेडीयू के कई बड़े नेता, सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। और इस तरह के दावे के साथ सबसे पहले एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान सामने आए। इनके पार्टी में एक बड़ी टूट होगी, कई इनके नेता मेरे संपर्क में, मैं यही दावा नहीं कर रहा कि सब मेरे ही संपर्क में, बट कई और दलों के भी संपर्क में हैं। एनडीए का समर्थन करने वाले दलों का दावा है कि महागठबंधन में जेडीयू के शामिल होने से कई नेताओं में जबरदस्त असंतोष है। बीजेपी तो जेडीयू में विद्रोह जैसी स्थिति होने का दावा करती दिखी। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। सुशील मोदी ने दावा किया कि जेडीयू में उदासी है और नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। इसके साथ ही सुशील मोदी ने यह भी दावा कर दिया कि बीजेपी अब किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेगी। बिहार में महागठबंधन के बड़े घटक जेडीयू में असंतोष की चर्चा गर्म हुई तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव सामने आ गए। महाराष्ट्र में एनसीपी में असंतोष की बड़ी वजह शरद पवार का बेटी सुप्रिया सुले को अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाना भी है। इसलिए हर कोई इस पूरे घटनाक्रम पर वंशवाद के आधार पर पार्टी चलाने वाले लालू प्रसाद यादव का रुख जानना चाहते थे। लालू ने वही कहा जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है, उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, सब फेल हो जाएगा। 30 तो जेडीयू के सीने में भी उठी और पार्टी ने सियासी घटनाक्रम के पीछे ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का खेल बताया। हाल ही में हसन मुती माननीय विधायक एनसीपी के 153 करोड़ का हेराफेरी का आरोप लगा, ईडी का वॉशिंग मशीन से धुल दिए गए। कांग्रेस भी महाराष्ट्र के सियासी घमासान को जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का सर बताती दिखी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एनसीपी की ही तरह समाजवादी पार्टी में टूट की भविष्यवाणी कर दी है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बड़ा सियासी बवंडर आ सकता है। जी मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक और सांसद अखिलेश यादव से नाराज हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अपने मुखिया से नाराज हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, राजभर के पास वोट है, तो इन लोगों को साथ क्यों नहीं लाया जा रहा है। इन लोगों को बगैर लिए साथ यूपी में हम सफल नहीं हो सकते। इस नाते तमाम विधायक इस फिराक में हैं कि हम अगर सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करे, कुछ लोगों को ले ले तो हम लोग चले जाएं। दरअसल समाजवादी पार्टी से दूर होने के बाद राजभर बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया कि बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर के पास एक ही विकल्प बचा, बीएसपी और आरएलडी के साथ मिलकर एक नया गठजोड़ तैयार करना। अभी हम मायावती जी से मिलेंगे, मायावती जी को हमारी कोशिश है कि विपक्षी एकता में मायावती जी खड़ी हो जाएं, जैन जी हो जाएं, हम लोग हो जाएं, एक बड़ा दूसरा परिदृश्य होगा। हालांकि सवाल यह है कि बीएसपी और आरएलडी ओम प्रकाश राजभर के साथ क्यों आएगी। आरएलडी पहले से ही सपा के साथ है, जबकि बीएसपी ने अभी तक विपक्षी एकता की मुहिम से खुद को अलग रखा हुआ है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद जगह जगह चट्टाने खिसक रही है। लगातार बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। रामबन के चंद्रकोट में सड़क पर पहाड़ का मलबा आ गिरा, जिसके बाद रास्ता ब्लॉक हो गया। हालांकि लैंडस्लाइड में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।
दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर रख दिया गया है। डीएमआरसी ने इसकी जानकारी दी और इसी के साथ मेट्रो के अनाउंसमेंट से लेकर दस्तावेजों और साइनेज को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में डीजल का एक ट्रक पलटने से वहां लूट मच गई। हादसे का शिकार हुए ट्रक से डीजल बहने लगा, जिसके बाद सड़क पर बहते डीजल को लोग बाल्टियों और बॉटल्स में भरने लगे। रायपुर से आ रहा यह ट्रक संतुलन बिगड़ने के बाद सड़क पर पलट गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा सिसोदिया प्रभावशाली पद पर थे, ऐसे में जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। बिहार के बेगूसराय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों के एडमिट कार्ड को लेकर हंगामा मच गया। आरोप है कि बीए के कई छात्रों को वहां जो एडमिट कार्ड दिए गए उसमें पीएम मोदी समेत कई अभिनेताओं की तस्वीर थी, जिसे लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बीए के जिन छात्रों को ये एडमिट कार्ड दिए गए उन्हें अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इस लापरवाही की वजह से वो परीक्षा ना दे पाए। एडमिट कार्ड में इतनी सारी गलतियां निकल रही है, किसी का फोटो चेंज आ रहा है तो किसी के है ना सेंटर गलत दे रहे हैं, हर चीज में गलती, और इतना कम समय में एडमिट कार्ड निकलता तो बच्चा कहाँ जाएगा ठीक कराने के लिए। कई छात्रों ने इस गड़बड़ी को अवैध वसूली का जरिया भी बताया। पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा प्रशासन है अभी का, और उसी का खामियाजा आम छात्रों को भुगतना पड़ता है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे मामूली गलती करार देते हुए जल्द सुधार का भरोसा दिया। किसी विद्यार्थी के नाम में गलती है, कहीं फोटो गलती है, बहुत सारे कभी कभी एडमिट कार्ड ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें कोई फोटो नहीं है, तो हम अपना ऑफिस से उसको सर्टिफाई करके उसका फोटो चिपका के फिर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। छात्रों ने एडमिट कार्ड के साथ ही परीक्षा के अंकों में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए। फ्रांस में 17 साल के लड़के की पुलिस के हाथों मौत होने के बाद से भड़की हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने अभी तक करीब 2,500 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि पुलिस पेरिस समेत देश के हिंसा प्रभावित शहरों में लगातार गश्त कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद देश भर से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पेरिस में दंगाइयों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, जबकि सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उन्हें पलट दिया गया। यही नहीं, कई दुकानों को भी तबाह कर दिया गया और लूटपाट की गई। सुरक्षा बलों ने किसी तरह हालात पर काबू पाया, जलती गाड़ियों को बुझाया, हिंसा और लूटपाट करते दंगाइयों को भगाया, लेकिन दंगाई एक जगह से भागते और दूसरी जगह उत्पात मचाते नजर आए। दंगाइयों ने पेरिस के नजदीकी इलाके लाइला रोज के मेयर तक को नहीं बख्शा। उन्होंने मेयर के घर पर हमला बोल दिया और उसे आग के हवाले कर भाग खड़े हुए। जानकारी के मुताबिक दंगाइयों ने मेयर विंसेंट जीन ब्रन के घर में एक कार घुसा दी और उसके बाद उस कार में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि कार से कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पेट्रोल भी बरामद हुआ, जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। मेयर की पत्नी के साथ उनके 5 और 7 साल के 2 बेटे घर में ही मौजूद थे। तीनों ने भागकर अपनी जान बचाई, जबकि मेयर की पत्नी और एक बेटा घायल हो गया। यही नहीं, लाइला रोज के मेयर के दफ्तर को भी दंगाइयों ने निशाना बनाया। उन्होंने दफ्तर के बाहर लगे बैरिकेड और कटीले तारों की फेंसिंग को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। I was in my office on the second floor there. In all my 39 years here in Laïla Rose, I've never been so afraid as I was last night. पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। मेयर के घर और दफ्तर पर हमला करने वालों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हिंसा की घटनाओं को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी जर्मनी यात्रा को रद्द कर दिया है, जबकि दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए 45,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में तो अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं और पुलिस गश्त कर रही है। इस दौरान लोगों को रोक कर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। फ्रांस में हिंसा की वजह से 50 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो चुके हैं। दंगाइयों ने 26 पुलिस स्टेशन समेत 74 इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। 577 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले किया जा चुका है। The first response, of course, is to ensure the safety of property and the safety of people, to return order as quickly as possible. There is no nation without order. वहीं फ्रांस में जारी हिंसा में शामिल लोगों में से ज्यादातर नाबालिग बताए जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री गैराल डर्मनिन के मुताबिक हिरासत में लिए गए 2,000 से ज्यादा लोगों की औसत उम्र 17 साल है। पुलिस की गोली से मारे गए नाहेल की दादी ने लोगों से दंगा ना करने की अपील की है, जिसके बाद हिंसा में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन आग अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं है।
दरअसल 27 जून को नैनतेरे की एक सड़क पर दो पुलिस अफसरों ने पीले रंग की एक कार को रोका था। इस दौरान कार ड्राइवर के साथ उनकी बहस हुई और एक पुलिस अफसर गाड़ी चला रहे नाहेल के सिर में गोली मार दी। ड्राइवर ने कार तेजी से दौड़ाई जो कुछ दूर जाकर क्रैश हो गई। कार चला रहे नाहेल की मौके पर ही मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कार ड्राइवर की उम्र 17 साल थी और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जबकि कुछ दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने उस कार का पीछा किया और उसे रोक लिया, लेकिन रोके जाने के बाद उसने भागने की कोशिश की, तभी पुलिस अफसर ने उसे गोली मार दी। गोली चलाने वाले पुलिस अफसर को सस्पेंड करने के बाद हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन नाइजीरियाई मूल के 17 वर्षीय नाहेल की मौत को नस्लीय भेदभाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके बाद फ्रांस सुलग उठा। टोक्यो की एक इमारत में धमाके के बाद वहां दहशत फैल गई। जापान की राजधानी टोक्यो की एक इमारत में आज अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद इमारत के शीशे टूट गए और वहां धुआं उठता दिखा। धमाके की जानकारी मिलते ही फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। शिबांशी इलाके में हुए ब्लास्ट में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। ताइवान ने सेना की शक्ति प्रदर्शन और जंग की तैयारी का परीक्षण करने के लिए आज से 2 दिन की लाइव फायर ड्रिल शुरू की है। ड्रिल के दौरान समुद्र से दुश्मन के हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई देखी गई। सैनिकों ने टारगेट्स पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दागी। इसराइल में बेन्यामिन सरकार के विरोध में एक बार फिर लोग सड़कों पर उतरे। इसराइल के हाइफा में प्रदर्शनकारियों ने एक बड़े बंदरगाह के रास्ते को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टायर डालकर रास्ता ब्लॉक किया और वो आतिशबाजी भी करते दिखे। चीन के यूनान प्रांत के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदियों में अचानक पानी बढ़ गया। यूनान के उत्तर पूर्वी इलाके में अचानक आई बाढ़ से कई गाड़ियां बह गईं। राजस्थान के शाहबाद इलाके में भारी बारिश की वजह से रेपी नदी में उफान पर है, जिसकी वजह से 12 इलाके में पानी के तेज बहाव में फंसकर 12 से ज्यादा मवेशी बह गए, जिसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दिखा कि मवेशी एक कतार में रास्ते के किनारे से होते हुए जा रहे थे और इस दौरान पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाए और एक एक करके सभी मवेशी पानी के बहाव में बहते चले गए। इस दौरान वह पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा था कि उसके सामने टिक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। हालांकि पानी के बहाव में फंसे मवेशियों ने वहां से निकलने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और बहते चले गए। इलाके के लोगों ने इस घटना की वजह वहां पुलिया का न होना बताया। लोगों के मुताबिक वहां पुलिया नहीं होने की वजह से हर साल करीब 250 मवेशी इसी तरह पानी में बह जाते हैं। इसके लिए प्रशासन से कई बार पुलिया बनवाने की मांग की गई, लेकिन उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया कि ये रास्ता राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ता है और नदी के उफान पर आने के दौरान आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाती है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से बरसाती नाले और नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसका सीधा असर वहां निचले इलाकों पर दिख रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे सभी इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए। हालात ऐसे हो गए कि वहां नदी किनारे जितने भी घाट थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इस दौरान वहां भगवान शिव की प्रतिमा का एक बड़ा हिस्सा भी पानी में डूबा दिखाई दिया। शिवालय है, शिवालय तक पानी पहुंचने वाला है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में किस प्रकार से बारिशें हो रही हैं और नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने जल पुलिस को तैनात कर दिया है, साथ ही लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की। हमारी थाने की पुलिस जो है वो भी लोगों में अवेयरनेस फैला रही है कि कोई भी जो जलस्तर बढ़ा है उसमें संगत तट पे ना जाए और पानी में ना जाए, इसके लिए सबको हम अवेयर भी कर रहे हैं और अनाउंसमेंट भी लगातार कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के काफी ऊपर आ गया है, जिसे संगम तट पर लोगों को जाने से रोक दिया गया है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से उफान पर आई पहाड़ी नदियों का पानी बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए मुसीबत का सबब बन गया है और इस बीच लैंडस्लाइड की वजह से बिहार को काठमांडू से जोड़ने वाला रक्सौल का रास्ता भी बंद हो गया, जिसकी वजह से वहां आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि पहाड़ से गिरा मलबा रास्ते पर हर तरफ बिखरा पड़ा था, जिसकी वजह से दोनों किनारों पर यात्री फंस गए थे। इस दौरान मलबे के बीच में फंसी एक गाड़ी को कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर वहां से निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहीं भारी बारिश की वजह से पहाड़ की कई चट्टानें दरक कर सड़क पर आ गिरी, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसे पैदल पार करना भी नामुमकिन था। लिहाजा रास्ते पर गिरे मलबे को हटाने के लिए मशीनों की मदद लेनी पड़ी, जिसमें बैठे लोग मुश्किल हालात में रास्ता खोलने की कोशिश करते दिखाई दिए। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की खबर से हड़कंप मच गया। दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के ऊपर सोमवार सुबह ड्रोन उड़ने की जानकारी मिली। प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को ड्रोन के बारे में बताया।
जिसके बाद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे और ड्रोन की तलाश शुरू की गई। हालांकि काफी छानबीन के बावजूद ड्रोन का कोई अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिशें कर रही है कि ड्रोन किसका था और उसने कहां से उड़ान भरी थी। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी संपर्क साधा है, लेकिन उनके पास भी ड्रोन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास और उसके आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन में आता है, यानी उसके ऊपर कोई भी उड़ान नहीं भर सकता। अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी की घटना से दहल उठा। वहां मैरीलैंड के बाल्टीमोर इलाके में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 बच्चों सहित 28 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई गई। मरने वालों में एक 18 साल की लड़की और 20 साल का लड़का शामिल है। वॉशिंगटन DC से करीब 64 किलोमीटर दूर बसे इस इलाके में ये गोलीबारी रविवार तड़के हुई। अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसी मौके पर कई तरह के आयोजन होते हैं। बाल्टीमोर के ब्रुकलिन होम्स में भी ब्रुकलिन डे ब्लॉक में ये पार्टी चल रही थी, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे, और इसी दौरान वहां अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 30 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही वहां पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और हमलावरों की तलाश तेज कर दी। Currently we are still at 30 victims. Ages range from 13 to 32. 9 victims remain at area hospitals in various conditions. 2 victims have been pronounced deceased. वहीं बाल्टीमोर के मेयर ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए साफ कर दिया कि जब तक हमलावरों को नहीं पकड़ा जाता, तब तक वो आराम से नहीं बैठेंगे। And as I said earlier, we will find those who are responsible and we will not stop until we do so. वहीं पुलिस ने हमलावरों की संख्या 1 से ज्यादा होने की आशंका जताई। चीन के अरबपति और अलीबाबा के को-फाउंडर जैक मा ने अचानक पाकिस्तान का दौरा किया। जैक मा के इस पाकिस्तान दौरे से दुनिया भर में हलचल बढ़ गई, तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। दरअसल पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक जैक की यात्रा और कार्यक्रमों के बारे में चीनी दूतावास को कोई जानकारी नहीं दी गई। यही नहीं, किसी को पता नहीं चला कि जैक मा कहां रुके और किससे मिले। बताया जा रहा है कि वो हांगकांग के एक प्राइवेट जेट से पाकिस्तान आए थे। जैक मा 29 जून को पाकिस्तान आए थे। जैक मा 23 घंटे तक पाकिस्तान में रुके। उनके साथ 7 लोग भी पाकिस्तान आए थे। वो नेपाल से पाकिस्तान आए थे, जबकि पाकिस्तान से उज्बेकिस्तान गए और वहां से चीन लौट गए। कहा जा रहा है कि जैक मा की नजर पाकिस्तान की वो 36% आबादी है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। वो इस आबादी के जरिए अपनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा का पाकिस्तान में विस्तार करने के साथ ही भारी निवेश करने का प्लान बना रहे हैं। चाइनीज बिजनेसमैन लाइक जैक मा जैसे लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर उन लोग, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, यहाँ की यूथ एंगेज होगी, बिजनेस चलेगा, सब कुछ होगा, तो उस सब के लिए ये विजिट बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हालांकि जैक मा पाकिस्तान में तभी निवेश कर पाएंगे जब वहां एक स्थायी सरकार होगी और सेना का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा, जबकि भविष्य में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। प्रयागराज में संगम के घाट पर हजारों की भीड़ दिखी। आज गुरु पूर्णिमा पर पवित्र स्नान हुआ और कल से श्रावण मास की शुरुआत होगी। बिहार के वैशाली में चलती ट्रेन का पहिया टूट गया, लेकिन पहिया टूटने के बाद भी पवन एक्सप्रेस तेज रफ्तार से चल रही थी और लोको पायलट को इसकी खबर तक नहीं मिली। पहिया टूटने की आवाज सुनकर एक यात्री ने चेन पुलिंग की और ट्रेन को रुकवाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर प्रदेश के अमेठी में अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर कार्रवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जे वाले मकान और दुकानों को जमींदोज किया गया। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही एक महिला को कुचल दिया। महिला को टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हुआ। हादसे में घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज देने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस कर्ज के बदले IMF ने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें पूरा करने में शहबाज सरकार के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और शहबाज शरीफ सरकार अगर IMF की शर्तों को मानती है तो उसकी सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इन शर्तों की वजह से पाकिस्तान की सरकार पर जबरदस्त बोझ पड़ेगा। IMF की पहली शर्त के मुताबिक सरकार को हर तरह की सब्सिडी खत्म करनी होगी। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और बिजली को 30% तक महंगा करना होगा, जबकि टैक्स कलेक्शन को भी 10% तक बढ़ाना होगा। आपने तो ऐसी चीखें निकाली हैं, निकलवा दी हैं आवाम की, कि 75 साल में ऐसा कोई मिसाल नहीं बनती, और फिर ऊपर से एहसान कौम पे, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया है। ऐसी डिफॉल्ट से अगर बचाना है तो ना ही बचाया जाए तो बेहतर है। अब देखते हैं कि क्या करते हैं।
वहीं एक पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक $3 अरब का कर्ज IMF ने दे तो दिया है, लेकिन पाकिस्तान को इस साल नवंबर तक $23 अरब का कर्ज चुकाना है और इसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज का है। मतलब ये कि मूल रकम अपनी जगह बनी रहेगी और ब्याज का बोझ बढ़ जाएगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी ने तेजी का नया रिकॉर्ड बना डाला। आज दिन का कारोबार शुरू होते ही सेंसेक्स 65,000 के ऊपर पहुंच गया। दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 486 अंकों की बढ़त के साथ 65,205 पर बंद हुआ, सो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं निफ्टी भी 19,000 के स्तर को पार कर ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। दिन का कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 133 अंक ऊपर 19,322 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रिलायंस, ITC, बजाज फाइनेंस, SBI और HDFC के शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई, जबकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, सनफार्मा, मारुति सुजुकी, लासन और टूब्रो और TCS के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। News.